अपाज सिर्फ शरीर हो सकता, थोड़ा जिहड़ा दिमाग है, थोड़ी मानसिकता हैगी, वह कदे भी अपाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीरक तौर पर अपाज तो चल जाती है, जेकर बंदा मानसिक तौर के उत्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो। मैं इस गलों लक्की हाँ, मैं इस गलों बहुत ज़्यादा वधिया अपने आप को महसूस कर दिया कि मेरा चाहे शरीर अपाज है पर मैं मानसिक तौर पर बहुत स्ट्रोंग हाँ। मानसिक तौर पर स्ट्रोंग बनने दे विच मैनू कला ने बड़ा योगदान दिता, मेरिया किताबा ने, मेरे साहित्य ने मेरा योगदान दिता, तो मैं इस काबल बनी हाँ कि मैं अज समाज सेवा भी कर सका। अध्यापन तो मैं नाल नाल कर दी हाँ, पर इस तो अलावा मैं लिखन कार्ज दे विच निपुण हुई हाँ, और ये सब का जिहड़ा मैं क्रैडिट हैगा वो साहित्य नू और कला नू दिनी हाँ। अजीत वैब टीवी दे प्यारे दर्शकों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हाँ रणजीत सिंह ढिल्लों। अज असी वख वख खेत्रां विच नामना खट रही औरतां नाल गलबात कर रहे हाँ। असी पहुँचे हाँ सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल पिंड संगूधौण विखे, जो श्री मुक्तसर साहब के नाल ही स्थित है। इत्थे श्री मुक्तसर साहब की अपाहज धी हरपिंदर कौर राणा समाजिक सिक्ख्या अध्यापका वजों काम कर रहे हैं। उन्हां विच काम करन दी लगन है। कहिंदे हन कि उगण वाले उग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। उन्हां ने 8 महीनां विच ही अपाहज हो गए सन, उस तो बाद इन्नी सख्त मेहनत कीती अते हौसलियां नूं बुलंद रखिया अते हुण उच्चे मुकाम ते अपना नां रोशन कर रहे हन। माता अमरजीत कौर अते पिता साधु सिंह दी इह लाडली धी 8 महीनों की उम्र में ही पोलियो होने कारण अपाहज हो गई सी, पर उसने अपने बुलंद हौसलिया सदका उच्च मुकाम नूं पाया, अनेक मान सन्मान हासिल किए। अज हरपिंदर कौर राणा साढ़े नाल हन, उन्हां नाल वख वख पहलुआं ते गलबात करांगे। सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसीं अज सारे इत्थे मेरे स्कूल दे विच आए हो। मेरा स्कूल सरकारी हाई सैल्फ स्मार्ट स्कूल है। मैं अपने वल्लों अपने स्कूल दे स्टाफ वल्लों तुहाडा स्वागत करदी हाँ। हरपिंदर कौर, तुसीं समाज सेवा दे खेत्र विच अपाहज होण दे बावजूद कार्यशील हो, बच्चिआं नूं होण वाली पीढ़ी नूं लिटरेचर नाल जोड़ रहे हो, लाइब्रेरी भी तुसी शुरू की हुई है, सुखन स्नेह तो अलावा होर भी लिखण अते पढ़न दे कार्ज खेत्र विच सरगर्म रहिंदे हो। तुसी इस संबंधी अपना जीवन ब्यौरा अते संखेप जानकारी दिओ। सब तो पहला तो मैं थानू ये दसना चाहनी हाँ कि अपाज होना एक शरीर की यह किस्म हैगी है। मतलब अपाज सिर्फ शरीर हो सकता, थोड़ा जिहड़ा दिमाग है, थोड़ी मानसिकता हैगी, वह कदे भी अपाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीरक तौर पर अपाज तो चल जाती है, जेकर बंदा मानसिक तौर के उत्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो। मैं इस गलों लक्की हाँ, मैं इस गलों बहुत ज़्यादा वधिया अपने आप को महसूस कर दिया कि मेरा चाहे शरीर अपाज है पर मैं मानसिक तौर पर बहुत स्ट्रोंग हाँ। मानसिक तौर पर स्ट्रोंग बनने दे विच मैनू कला ने बड़ा योगदान दिता, मेरिया किताबा ने, मेरे साहित्य ने मेरा योगदान दिता, तो मैं इस काबल बनी हाँ कि मैं अज समाज सेवा भी कर सकता। अध्यापन तो मैं नाल नाल कर दी हाँ, पर इस तो अलावा मैं लिखन कार्ज दे विच निपुण हुई हाँ, और ये सब का जिहड़ा मैं क्रैडिट हैगा वो साहित्य नू और कला नू दिनी हाँ। कि जे किसी भी इंसान नू कला का सहारा मिल जाए, किताबां का सहारा मिल जाए, तो वह कोई भी जिहड़ी शरीरक अपाहजता हैगी आ उस तो अलंग के काम कर सकदा है, तो मैं भी उवें ही किया। हरपिंदर कौर राणा जी, तुहाडे परिवार विच कौन कौन हन अते तुसीं कित्थे रह रहे हो? मैं श्री मुक्तसर साहब विखे रह रही हाँ, दशमेश नगर गली नंबर 2 च। मेरे घर मेरा माता जी है श्रीमती अमरजीत कौर, मेरे ब्रदर है दो मेरिया भाबियाँ, एक भतीजा, तो 3 मेरिया भतीजियाँ जड़े वो स्कूलों पढ़ रहे हैं।
ते मैं मेरिया किताबां बस। तुसी जेड़ा नौजवान पीढ़ी नूं पढ़न वल लाउण लई वधिया उपराला कर रहे हो, इस संबंधी की तुहाडे कार्ज खेत्र हन? मैं नौजवानों नू साहित दे नाल जोड़न दे लई असी एक मंच बनाया सुखन स्नेहे मंच, और उस विच मेरे नाल मेरी दोस्त मीनाक्षी मनहर है और मेरे नाल जिहड़े साडे प्रेस दे जिहड़े सकत्तर हैगे आ श्री विजय सडाना जी साडे नाल, असी सारे ने रल के एक मंच बनाया सुखन स्नेहे, और उहदे तहत असी नवें उभरदे कलाकारां नू चाहे वह कविता दे खेत्र च चाहे वह नावल दे खेत्र विच आ उहनां नू असी एक मंच प्रोवाइड करदे आ। इस दे नाल नाल असी एक लाइब्रेरी खुली हुई है, साड़ी लाइब्रेरी का नाम परवाज, और ये पंजाबी साहित्य सभा नवी दिल्ली दे नाल कोलाबरेशन दे नाल असी बनाई है, यानी कि साड़ी लाइब्रेरी नू पंजाबी साहित्य सभा दिल्ली वालों ग्रांट दिती जांदी हैगी, किताबां दित्तियां जांदियां हैगियां, वह ग्रांट किताबां दे रूप में होंदी आ ताकि असी ये जिहड़ा वध तो वध बच्चों नू साहित्य पढ़ा सकीए। असी स्कूलों में जाके क्विज़ प्रोग्राम करवाने और ज़्यादातर मोटीवेशनल स्पीच दे के आने ताकि जिहड़े बच्चे आ खास करके लड़कियां इस खेत्र दे विच अगे आउण, क्योंकि लड़कियां विच सहनशीलता तो पहले ही होंदी आ, जेकर उन्हां दी मानसिकता स्ट्रोंग हो जाए तो वह हर मरहले नू सर कर सकदियां। हुण तक तुहाडियां किन्नियां पुस्तकां आ चुकी हैं जी? मेरी सब तो पहली किताब 2007 में आई सी बिन परों परवाज, और उस तो बाद नॉवल है 2012 में आया निरपौ निरवैर। कविता दी किताब दे विच मेरी ज़्यादातर कवितावां जिहड़ियां हैगियां उह खेत मजदूर औरतां दी स्थिति नूं समर्पित हैगियां। निरपौ निरवैर मेरा नावल है, उहदे विच इह दर्शाया गया कि जेकर साडी पीढ़ी है जिहड़ी उहदे विचों भावनात्मक रिश्ते खत्म हो रहे आ, साडी जिंदगी विचों ते साडे फिल्मां विचों नायक खत्म हो रहे आ, जे नायक साडी जिंदगी च होणगे तां असीं उहनां वर्गा आपां ते अपने बच्चियां नूं बनाउण दी कोशिश करांगे। उहदे विच मैं एक नायक दा वर्णन कीता, उह नायक कोई होर नहीं है कॉमरेड सुरजीत गिल, जिहड़े पंजाबी साहित्य दे मौत महान आलोचक भी ने, उहनां दी जिंदगी दे विचों घटनावां लै के ते कुछ साइड स्टोरी लै के मैं उह नावल नूं हैगा डिवेलप कीता सीगा। उस तो बाद 2015 च मेरा नावल आया शार अग दे रिश्ते। मैं दसना चाहनी हाँ कि शार अग दे रिश्ते नावल स्कूली लाइब्रेरियां लई प्रवान हो चुका है, और इंदे विच भी मानसिक सेहत का वर्णन किया गया है, खास तौर पर उन्हां व्यक्तियों की कहानी है जिहड़े एक्सीडेंटल केसां दे विच जिन्हां दी रीढ़ की हड्डी टुट जाती है, तो तुहानू पता है कि जिहड़े लैवल तो रीढ़ की हड्डी टुट जाती है शरीर का संपर्क दिमाग नालों टुटन करके वह बिल्कुल भी कोई हरकत महसूस नहीं करता, वह किद्दां मानसिक तौर पर टुट गया तो किद्दां उन्हां नूं मानसिक तौर पर मजबूत करना हैगा, ये मैं उस नावल दे विच बयान किया। जिहड़ा मेरा रीसेंट नावल है 2019 विच आया सी की जाना मैं कौन, ये तिरकारी हुई धिर खुसरियां दी लाइफ ते आधारित हैगा, उन्हां दे डेरियां दे जीवन बारे है, क्योंकि असी उन्हां नूं सिर्फ देख के छड़ दिंदे आ, सिर्फ उन्हां नूं ऐ कहने भी ये मंगन वास्ते आए आ वधाई लै के चले जाते हैं, विआह वेले आउंदे आ जां जन्म वेले आउंदे आ, उस तो बाद वह किद्दां रहिंदे आ किद्दां नहीं, ये सारा कुछ जिहड़ा है मेरे उस नावल दे विच मैं रिसर्च करके लिखिया। तुहानूं सिक्ख्या विभाग तों अलावा होर किन्ने को सन्मान मिल चुके हन? सिक्ख्या विभाग दे विच लॉकडाउन दे दरमियान मेरिया सेवावां जो मैं ऑनलाइन कीतियां, बच्चों दे नाल संपर्क रखिया, उनके लिए मैनूं साडे सिक्ख्या सकत्तर वालों प्रशंसा पत्र मिलिया। कुछ दिन पहला साडे विभाग दे डीओ मैम, मेरे स्कूल दे हैड्स वल्लों मैनूं बहुत ज़्यादा सन्मान दिता जांदा, मेरी बहुत ज़्यादा वह रिगार्ड करते हैं। मेरे मैम अनु मैम है, उन्होंने मैं स्कूल मैगजीन की संपादिका बनाया हुआ, मीडिया कोआर्डीनेटर बनाया हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा लिटरेचर दे विच ध्यान है, पर मैं ये घरों जिहड़ा सन्मान मिलता हैगा उहदे लई मैं ज़्यादा मशहूर होंदी हाँ, क्योंकि घर दे तुहाडी कलम नूं तुहाडे लिखण नूं मानता दिंदे आ। समाज विच विचर रहियां लड़कियां नूं की सुनेहा देना चाहोगे? मैं लड़कियां नूं एक सुनेहा देना चाहूँगी कि वह दो चीज़ां जिहड़ियां हैगियां उन्हां कोले जरूर होनियां चाहीदियां, एक तां उन्हां कोले कोई ना कोई हुनर जरूर होना चाहिए, वह हुनर है जिहदे सिर ते वह अपनी आर्थिकता नूं मजबूत कर सकन,
एक गुण उन्हां कोले जरूर होना चाहिए और एक गुण उन्हां कोले आत्म सुरक्षा का भी होना चाहिए ताकि वह समाज के विच अपनी सैल्फ की जिहड़ी रक्षा हैगी उह कर सकन और नाल नाल जे वह मानसिक ये सारा कुछ ना ही होगा जे मानसिक सेहत डिवेलप होगी। सो मानसिक सेहत रख लैन औरतां हुनर उन्होंने हाथ में होना चाहिए और एक उन्होंने कोई ना कोई मार्शल आर्ट होना चाहिए स्वै रखिया का जोड़ा गुण हैगा वो जरूर होना चाहिए। मैं सारिया मावां सारे बाप न एको ही कहना चाहनी हाँ कि अपनी बेटी हुनर ते आत्म सुरक्षा दो गुण जरूर देन। ये सन लेखका अध्यापका हरपिंदर कौर राणा जिन्होंने अपने जीवन के वख वख पहलुआ जानकारी दी समाज विचर रही लड़कियों लिए एक स्नेहा दिता। हुण तुसीं रणजीत सिंह ढिल्लों दे नाल बलकरन सिंह खारा कैमरामैन नूं दिओ आ गया सत श्री अकाल। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।